नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से चैनल योर कंसेप्ट में। मैं आदित्य कुमार, मैं IIT BHU से हूँ और आज का टॉपिक है व्हाट इज एटम। तो चालू करते हैं फिर। तो एटम क्या होता है? अगर हिंदी मीनिंग एटम का देखें तो एटम मतलब होता है परमाणु। मतलब क्या? सबसे छोटा अणु। मतलब संसार में जितनी भी वस्तु हैं उन सब में सबसे छोटा जो होता है वो होता है एटम। अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाए तो सबसे छोटा पार्टिकल जो हमें मिलेगा वो एटम होगा। पर लेकिन एटम जो होता है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, हम उसको एक्सपेरिमेंटली डिवाइड करते हैं। हाँ, हम मैटर को क्या करते, एक्सपेरिमेंटली डिवाइड करते चलते हैं और सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलता है वो होता है एटम। अब देखिए, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या कि जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी हाँ, तो इसका मतलब एटम में तीन पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं एटम में, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं और एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। अब पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम बोलते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल को बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, इसका मतलब क्या? जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितने पॉजिटिव पार्टिकल है उतने ही नेगेटिव पार्टिकल है। तो एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। परमाणु सबसे छोटा अणु, इसे हिंदी में टर्म क्वाइंट किया गया था भारत में बहुत साल पहले महर्षि कन्नर के द्वारा। जी हाँ, और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जी हाँ, एटम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो ये प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम डिवाइड करके एटम से नहीं निकाल सकते। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट तो नहीं करता है। एटम क्या होता है? एटम हर एक एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल्स होता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस टॉपिक व्हाट इज एटम में, और मैं चाहता हूँ आप खुद इस टॉपिक में एनालिसिस करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी एनालिसिस अगर बेहतर हो तो मैं उसे एनालिसिस पार्ट टू में एटम के, व्हाट इज एटम के जरूर लाऊंगा और दोनों को मजा आएगा, तो हमें भी आपको भी। और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं एनालिसिस करना जिसमें मैं एनालिसिस करूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसे अगले वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो अगले वीडियो में फिलहाल व्हाट इज एलिमेंट देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।